आज हम जा रहे हैं गगलिया झूला पुल। यही ना रास्ता, ये वाला ना, आगे से जाइए, आगे से पुल मिलेगा। यहाँ ज्यादा पानी लग रहा है, सब कुछ मोबाइल में। ठीक है, चलिए ये वाला रास्ता ऐसे। सब हाँ, बट जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे हमारी तरफ। आज हम जा रहे हैं गगलिया झूला पुल घूमने के लिए। जब से झूला पुल बना है अभी तक हम नहीं गए हैं, एक भी बार नहीं गए हैं, देखे भी नहीं है कहाँ पर है। आज जा रहे, एक दोस्त के साथ में उसको लेकर जा रहे हैं, वो बहुत पहले किया था। देखते कैसा है वहाँ का झूला पुल। अब वैसे भी हम झूला पुल बहुत पहले ही, शायद 2017 या 18 को नेपाल में कोई प्लेस था, प्लेस का नाम हमको नहीं पता, वहाँ पे गए थे, घूमे थे, फोटोशूट भी किए थे। हमको यहाँ का झूला पुल जाने का उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट सब कोई किया है, अभी सब कोई घूम लिया है, तो इसी सबसे जाते हैं, घूम लेते हैं और एक छोटा सा ब्लॉग भी बना ही लेते हैं। बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा हवा का, उसके लिए सॉरी, पता भी नहीं, हम टेस्ट भी नहीं किए ना वीडियो कैसा बन रहा, नहीं बन रहा है। डायरेक्ट ऐसे लिए, लगा लिए हेलमेट में, चल दिए वीडियो बनाते हुए। तो आप लोग थोड़ा एंजॉय करिए रास्ता, हम मिलते हैं आगे। तो ये बाइक आपको रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 है। इधर ही रास्ता है क्या? लेफ्ट शायद के यही है। ओ देखते हैं, यही ना रास्ता। तो दोस्तों बता दें आपको कि ये रास्ता हमको पता नहीं, हम पहली बार ही जा रहे हैं।
मेरा दोस्त है वो देखा है। यहाँ से कितना दूर है? और यहाँ से हाँ 5-6 किलोमीटर होगा। यहाँ से और 5-6 किलोमीटर लगभग कंफर्म या फिर अंदाजे? कंफर्म। अभी सीधा सीधा ही है ना? तो यार पूरा गांव का अंदर से है ना, जो हम लोग एक जो बहादुरगंज में जो वहां पे गए थे, क्या नाम था उस जगह का? उस जगह का हाँ अच्छे नाम था, अजीब नाम था, कोई काला की खोज क्या तो नाम था। YouTube में भी तो आया था क्या? हाँ बीच में तो वो जगह पूरा फेमस हो गया था हम लोग के जाने के बाद ना। हम लोग जब वहाँ से आए उसका 2-4 दिन के बाद, हाँ उसका कुछ दिन के बाद ना, हाँ पूरा ही फेमस हो गया, सबके बोल रहा था। मेरा वहाँ पवा खाली का भी कितना दोस्त है ना, उन लोग बोल रहा था, फोटो दिखा रहा था। क्या इधर ये रास्ता तो झाला जाता है क्या? ये रास्ता झाला जाता है क्या? तो बॉर्डर का बगल से रास्ता है ना, नेपाल बॉर्डर से, तो झाला की वजह से आ जाते हैं ना हम लोग। लेकिन देखने ना है काहे लेते क्या? हाँ यो बात, हाँ सब कोई इधर से आएगा, उधर से कौन आएगा? हम लोग का इधर से है तो उधर से आ सकते, और बाकी सब आदमी तो इधर ही से हाईवे से आएगा ना। लेकिन यहाँ का ये रास्ता अच्छा है। दरी रास्ता होगा क्या? बीसी अब बहुत अंदर में है यार, कितना कैसे आता सा आदमी से घूमने के लिए ना, बहुत अंदर में है ना। तुम लोग इधर ही से आया था? बहुत रास्ता है वो झूला पुल जाने का। अच्छा तो दोस्तों बहुत रास्ता है झूला पुल जाने का, हम लोग तो ये रास्ते से जा रहे हैं, और आप लोग को भी शायद पता नहीं कौन कौन रास्ता से जाएंगे।
रास्ता याद है ना रे? हाँ हाँ, किधर जाए, सीधे जाना है क्या? ये लोग सब अपना काम करना मत से। हाँ जा, ये रास्ता है क्या? हाँ वही रास्ता है। झूला पुल जाने का रास्ता कौन सा है? ये वाला ना, आगे से जाइए, आगे से पुल मिलेगा ना। हाँ पूरी गाड़ी से वो सीधा गाड़ी चला जाएगा, इधर से गाड़ी नहीं जाएगा, गाड़ी जाएगा ऐसे भी। हाँ माना आगे नदी है। ज़्यादा पानी है क्या नदी में? पानी ज़्यादा नहीं है इतने। गाड़ी गाड़ी जाता है कि नहीं? गाड़ी जाता है उधर से भी, उधर से जाने से सुलेट हुआ। जहाँ पर्ची उर्ची काटता है वहीं से ना क्या करता है, जहाँ पर्ची उर्ची काटता है वहाँ पे जो सीधे जो भी रास्ता आता है उधर सीधे वो नदी तक जाता है। पचपन टला पटना की पचपन टला जाना है, वो रास्ता सीधा है। तुम लोग किधर से गया था? आगे 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 से जहाँ भी हम लोग चढ़े ना। हाँ वहीं से शायद। तो ये रास्ता है दोस्तों जाने का, लेकिन वहाँ से रास्ता में पानी आता, हम लोग वहाँ से नहीं जाएंगे। वाटर क्रॉसिंग हो जाता जाने से, लेकिन नहीं जाएंगे। अब कहाँ से बताए वो अंकल जी अच्छा रास्ता है? तुम समझ गया ना कहाँ से बताए अंकल? हाँ उनको तो पता ही नहीं कहाँ से गया होगा। उसी लगा के नहीं बैठा था कहाँ पे? वहाँ जहाँ से हम लोग चढ़े ना वहाँ जो कुत्ते लगा के बैठा था। अरे ये कुत्ता मुर्गी पकड़ के लेकर आया, मुर्गा कहाँ से? इधर बेकार आए हम लोग, वही बात पूछ लेना चाहिए क्या? उधर से भी चल जाते तो मजे आता, वाटर क्रॉसिंग पार करते हुए जाते सब कुछ मजा आता ना। अगर ज्यादा पानी नहीं रहता तो पानी ज्यादा नहीं है, गाड़ी निकलता हम लोग निकाले। हाँ तो पहले बताना था ना उधर से घुस जाते सीधा पड़ेगा। अच्छा दोस्तों वो रास्ता था खेत वाला, अभी पता नहीं कौन रास्ता से जा रहे हैं, देखना होगा। क्या आप लोग देख ही रहे, वीडियो पता चल ही जाएगा। कुछ दुकान उगाने जाओ, टिकट लेके बैठा। टिकट लेके बैठा है, कौन से का टिकट? पूछो इससे या फिर पूछते हैं। ये झूला पुल इधर से जाएगा, सीधे जाना होगा ना। कितना अच्छा, यही तो रास्ता था सीधा सीधा, हम लोग फालतू को उधर चले गए। तो दोस्तों आप लोग जब आएंगे तो इधर इससे आइएगा। सबको जा रहा है अपना अपना काम में। वाह ऑफ रोड, बड़ा सा ऑफ रोड। दोस्तों वो जो पहले जो रास्ता से वे रास्ते से जाने वाले थे, वहाँ जो मेरा दोस्त था ना वो उधर ही से गया था, तो वहाँ से वो अंकल बोला ये रास्ता ज़्यादा बेटर होगा, तो अंकल ने ये रास्ता से भेज दिया हम लोग को। तो हम लोग अभी ये रास्ते से जा रहे हैं। वाह मस्त जगह में बैठ लगा के फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ भाई। नीचे तो नहीं उतरना है ना इधर ही? क्या यार ब्रिज क्रॉस कर किधर से जाना होगा? इधर से क्या सीधा पूछो तो बच्चा लोग से भाई। तो रास्ता मस्त है इधर से, आगे तो रास्ता नीचे से जाना होगा उधर से। आखिर यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग तो करना ही पड़ रहा है क्या? यही होता है पहली बार कहीं पे आने का नतीजा, पूछ 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 करके जाओ 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 जाओ। मस्त से बैठना उसको जान लेते हैं।
लोग किधर से जाएंगे क्या? यार ज़्यादा पानी लग रहा है, किधर जाना है, किधर जाना, इधर जाना होगा शायद, उससे पूछते गुलापुल इधर से जाता है ना। हमको लगा वो अंकल बताएंगे इधर से रास्ता सही होगा, इधर भी तो वैसा ही है रे। हमको लगा इधर से रोड बना होगा। हाँ तो हमको वही लगा। तुम लोग जो उधर से गया था उधर का रास्ता कैसा था? उधर का इससे ठीक था, इससे ठीक था, चिकनी मट्टी नहीं होता वैसा बना हुआ, रास्ता ही नहीं था, बालू बालू में कहाँ कहाँ भेज दिया यार। लेकिन अच्छा लग रहा है रास्ता में ऐसे गाड़ी चलाने में सब। ये हम ये बाइक को हंटर को तो कभी इस समय आई नहीं ना ऐसा रास्ता में लेके अभी तक। अच्छा भी है लेकिन पैर रखेंगे पैर में पूरा बालू बालू हो जाएगा। सर झूला पुल जाना घूमने के लिए, ये ठाकुरगंज से। हाँ मोबाइल में है सर, मोबाइल में है सब कुछ, मोबाइल में है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो हमारे एसएसबी सर ने कहा इधर से इधर से कहा सर, हम लोग जो ना बकचोदी कर दिए थे समझे। हाँ तो हम लोग को जो वहाँ नेपाल का पुलिस नहीं होता है तो वो बोलता है गाड़ी उधर लगाओ इधर दिखना नहीं चाहिए। अच्छा मतलब गए ना स्टंट स्टंट मारने लगे ही रहा है सर। अच्छा किधर उधर नेपाल में? हाँ उस साइड जाके उस साइड इसी साइड में गाड़ी उधर लगा के आओ तो गाय नहीं करना चाहिए ना तुम लोग, और जगह नहीं मिला तुम लोग को यार। तो फाइनली दोस्तों हम झूलापुर देख चुके हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ से दिख रहा है झूलापुर का ऊपर का थोड़ा सा। लेकिन हमारे पास तो बाइक है, हम तो आ गए, बट आप लोग जिसके पास बाइक नहीं है उसे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसे रास्ता में तो या कुछ भी गाड़ी नहीं आएगा, जो रहेगा आएगा उधर ही रहेगा लगभग आपके यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूरी आपको चलते हुए आना पड़ेगा। फिर हमको लग रहा दूसरा रास्ता नहीं घुस गया बाबू झूला पुल इधर से, झूला पुल वहाँ दिख रहा है रास्ता इधर से। अब बच्चे को क्या कमीज सिखाया है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जो बात मेरा पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था, जो भी था मोबाइल में ही था, और मोबाइल में है क्योंकि मैंने वॉलेट तो लेके आया ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो दोस्तों देखिए ये है झूला पुल, जब ये लोग आया था तब जंग नहीं लगा था, अभी जंग लग गया है। बाइक तो जाने देता ना उधर पर? हाँ देता तो है, फिर जाएंगे उधर फिर आ जाएंगे इधर, बाइक तो छोड़ के जाए पैदल, नहीं बाइक को यहीं पे लगा देंगे।
बाइक को हम लोग यहीं के नीचे में लगाएंगे और हम लोग जाएंगे ऊपर घूमने के लिए। आपको बता दो दोस्तों, ये झूलापुर नेपाल गवर्नमेंट ने बनाया है जो कि नेपाल से इंडिया तक आता है। यहाँ पर सब क्या कुछ दुकान उगाने क्या गाड़ी को दही लगा दे क्या यहाँ पे? नेपाल पुलिस बैठे हुए यहाँ। तो दोस्तों झूलापुर में चलाने का बाइक का मज़ा ले लेते हैं। हाँ, उसका बोले उसको उसके बाद आने दिया। हाँ, फर्स्ट टाइम है मेरा ये झूलापुर पे, इस जगह पर। सब हाँ, बट यहाँ के ना ये जो सबको झूलापुर बोलता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे इसका नाम गूगल में आपको सस्पेंशन ब्रिज नाम से मिलेगा। ये झूला पुल से नाम से खोजेंगे ना गलगलिया में, कुछ नहीं मिलने वाला। और हम जस्ट सिर्फ बाइक इंडिया से अभी नेपाल में घुसेंगे। नेपाल अब आ ही गए, नेपाल बॉर्डर। यस, ये हो गया नेपाल। अगल बगल में कुछ भी नहीं है, खास चीज आपको बता दो जो है ये ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, और कुछ भी नहीं है। सो आप आइए, ब्रिज घूमिए, मज़ा करिए, चाहिए आएगा मज़ा, सब कुछ होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन दोनों साइड में इंडिया के उधर भी पूरा गांव है, और आपको इधर नेपाल के इधर भी पूरा गाँव ही, इधर बगान से सब कुछ गाँव ही है। इधर जो है ये आपको ब्रिज है और कुछ नहीं। अब हम नेपाल से जाएंगे इंडिया, ये ब्रिज पार करके। बस ये ब्रिज में बाइक चलाना था इसीलिए आए। ये देखिए मुझे ही मजे आ गए। अब हम लोग चल जाएंगे घर। यस, हाँ तो दोस्तों हम लोग घूम भी लिए सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल, और आप लोग को भी दिखा दिए। आना है तो ये रास्ता से आइएगा, यही रास्ता है। कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा आपको ये पता चल ही गया होगा। बाइक है तो अच्छा है, आ जाइएगा बाइक से अच्छा से। अब बॉर्डर में वीडियो करना अलाउ नहीं था, तो वहाँ से बंद करके फिर थोड़ा परमिशन लेके ऊपर बोला इधर का वीडियो नहीं करने के लिए, वहाँ पे ब्रिज में जाकर वीडियो फोटो जितना खींचना है जो करना है कर सकते हैं। अच्छा लगा, ठीक है सब कुछ। नेपाल पुलिस थे वहाँ पे, आर्मी, नेपाल आर्मी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।